आयोजन किया गया है जगह जगह। सर आज आज सर सूत्रधारी मंदिर आए हैं, आज भव्य जो रामलला है आज विराजमान होने जा रहे हैं। जय श्री राम। जय भैया जय श्री राम। आज आज 22 जनवरी का ये दिन देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत गौरव का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आज 500 साल से भी ज़्यादा संघर्षों के बाद में अयोध्या में भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आज पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है और आज मुख्यमंत्री के नाते मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर रायपुर स्थित दुधाधारी मठ में पहली बार आगमन हुआ है और ये मठ 500 साल पुराना है और इसके संस्थापक पूज्य बलभद्र दास जी महाराज जो सिर्फ दूध का आहार करते थे, इसलिए इस मठ का नाम दूधाधारी मठ हुआ है। और आज हमें ये दिल दिखाया है, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी है कि आज हम सब सनातनी हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। बस मैं कहना चाहती हूँ जय सियाराम। जय सियाराम। और अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री संबोधन देने वाले हैं, इसी मंच से पीछे से हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेरी डिवाइन ओकेजन, ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, वेरी हिस्टोरिक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ रामलला। ऑब्वियसली इट विल मीन अ लॉट मोर फॉर अस, वील कंटिन्यू टू कम टू अयोध्या, बट दिस इज यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन इज इटसेल्फ अ वंडरफुल फीलिंग एंड रियली ब्लेस्ड। सो हाउ डू यू सी अयोध्या नाउ? इट्स बिफोर एंड नाउ। This is my first visit, so I'm hoping that you know we'll be coming a lot more for this divine blessing. So yes, really looking forward to the event. Have you visited Ayodhya some places? Not yet. So after this, yes, for sure. तमाम VIPs के reactions हम आपको सुनवा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनिल कुंबले जो टीवी की सीता है, दीपिका, उनके रिएक्शंस हमने आपको सुनाए, प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। इसके अलावा अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन भी पहुंच चुके हैं यहां प्राण प्रतिष्ठा कार्य